वापस लो, वापस लो, वापस लो। घटिया राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। घटिया राजनीति बंद करो, बंद करो। आज हम लोग जो हमारे नेता हैं, और अभी आपने देखा कि ठंडा, गर्मी और बरसात तीनों में तपती ठंड और तपती ज्वाला में उन्होंने एक हाफ टी शर्ट पहनकर और भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया, क्योंकि आज हमारे मोदी सरकार पूरे देश को जाति धर्म में बांटने का काम किया। आदरणीय राहुल गांधी ने उसे ये संदेश दिया कि हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस के हैं भाई भाई। आज उनको जो नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे गौतम अडानी हो, जिनके बारे में पूछा गया संसद में, तो आपने जवाब दो कि ये अडानी और आप में क्या संबंध है। इसका जवाब नहीं होने के कारण आप लोग ने भी सुना होगा कि विपक्ष लोकसभा या विधानसभा को बाधित करता है, लेकिन आपने यह कभी नहीं सुना होगा कि पक्ष के जो हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा को ठप कर दिया। आज हमारे राहुल गांधी एक सच बोलने के चलते उन्हें एक छोटा सा मुकदमा मानहानि का केस में फंसाकर और कोर्ट से भी बड़ा अपने आप को मोदी जी समझे। ये आप, मेरा सिर्फ एक सवाल है केंद्र सरकार से, आदरणीय मोदी जी से, आप क्या चाहते हैं कि देश में विपक्ष खत्म हो जाए? आज की, कल की जो घटना हमारे नेता राहुल जी के साथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, इनका एक सुनियोजित षड्यंत्र है संसद में राहुल जी का आवाज बंद करने के लिए। आज आप पहली बार देखे होंगे इस देश में एक डेफरेंडम का मामला है, ये कोई रेप का मामला नहीं है, कोई हत्या का मामला नहीं है। एक सुनियोजित ढंग से उनकी सत्ता को समाप्त कर दी गई है। पूरे देश में आक्रोश है, ये कांग्रेस की बात नहीं है, अंतरात्मा से। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी ये पूछना चाह रहा हूँ, अपने अंतरात्मा पे आवाज दीजिए। क्या इस देश में जिस परिवार ने तीन तीन बलिदान दिया हो, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, और मेरा अंतिम बात, जिस पार्टी की पूरी व्यवस्था विपक्ष को गाली देने पे पैदा हुआ हो, एक भी रैली का नाम लीजिए, एक भी स्टेटमेंट का नाम लीजिए आदरणीय मोदी जी का, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेताओं का अपमान नहीं किया हो, वो आज नैतिकता की बात बता रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके माध्यम से देश के तमाम विपक्षी दलों को भी कहना चाह रहा हूँ, आज का समय एक छत के नीचे आने का है, और आप संघर्ष कीजिए, नहीं तो जिस तरह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई थी, वो लड़ाई आम आदमी को इस सरकार से मुक्त होने के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसी सड़क पर उतरे हुए हैं, आज जो केंद्र में सरकार है उसके द्वारा लोग, उसके द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है, और जिसका परिणाम है कि आज राहुल गांधी जी देश के सम्मानित नेता हैं, और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्या कांग्रेस राज में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने भाजपा नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया था? अटल जी बीमार पड़े, राजीव गांधी जी ने सरकारी खर्चे पर इलाज करवाया, आडवाणी जी चुनाव हार गए, उनके आवास को खाली नहीं कराया गया, और वो हारने के बाद भी 5 वर्षों तक सरकारी आवास में रहे, उसी का परिणाम क्या यही है? उस वो जो त्याग था, वो जो व्यवहार था, उसका कोई कदर है इस सरकार में? आज विरोधी दल के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं, कांग्रेसियों ने क्रूर अंग्रेज को भगाने का काम किया, तो मोदी जी किस कौन है? इसलिए आने वाले समय में हम कांग्रेस जन इनको भी देश से खदेड़ेंगे और दिल्ली की गद्दी से खदेड़ने का काम करेंगे। ब्रजेश कुमार प्रिंस, पूर्व पार्षद अध्यक्ष, नगर कांग्रेस कमेटी। क्या मुद्दा को लेकर आज कैंटीन चौक पर किया गया? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं राहुल जी बोलते हैं बेरोजगारी हटाओ, नरेंद्र मोदी बोलते हैं गरीबी लाओ, राहुल मोदी कहते हैं गरीबी हटाओ, नरेंद्र मोदी कहते हैं राहुल हटाओ। सिर्फ सभी पूरे बीजेपी के जितने भी हैं सब राहुल गांधी पे लगे हैं, कांग्रेस पार्टी पे लगे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं जात पात हटाओ, नरेंद्र मोदी कहते हैं जात पात लाओ। ये राहुल गांधी कहते हैं किस तरह का आज कार्यक्रम था ये बताओ? कार्यक्रम ये था कांग्रेस भवन से चल के आज यहाँ पे आके खुला दान किया गया, जो राहुल गांधी की जो संस्था दी गई, अगर गुजरात कोर्ट में अगर जो बोला गया 30 दिन का वक्त दिया गया
उसके बीजेपी को, और हम कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष को उसमें तो संयम बनाना चाहिए, उनको समय धीरज से लेना चाहिए। जितना तत्काल में अगर वो सरकार रद्द किए हैं, इसे पूरे देश 140 करोड़ की जनता जान चुकी है, और ये सरकार 2024 में बदलने वाली है, और ये बेरोजगार की और गरीब की और जो जो पूंजीपतियों की ये जितना भी सिक्के है वो सब एकजुट होकर हम कहते हैं 2024 में सरकार बदलने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। पार्टी द्वारा कल जो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई उसके विरोध में कांग्रेस जनों का आज आक्रोश आंदोलन है। मोदी सरकार के द्वारा विपक्ष चाहती है विपक्ष खत्म कर हम अपना पूरा सत्ता चलाए, बोलिए ना, ऐसा नहीं होता है। विपक्ष का रहना एक सरकार के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तानाशाही सरकार के द्वारा चाहा जा रहा है कि इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस लोकतंत्र में विपक्ष राहुल गांधी जी के सांसद खत्म कर यह साबित करना चाहती है कि हम तानाशाही हैं और हमारा तानाशाह चलता रहेगा, लेकिन कांग्रेस यह ठान लिया है कि उनका तानाशाही रवैया खत्म करके रहेगा और 2024 में पूरे बिहार में कांग्रेस पुनः वापसी आ रही है। ऐसे करके सबके भारत का